हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ रही है और इस दिन गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है और लड्डुओं का और मोदक का भोग लगाया जाता है गणेश जी को। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दूध मोदक। बनाने में बहुत ही आसान है और दूध मोदक सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं और गणेश जी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए दूध मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध से मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई। कढ़ाई हमने भारी तले की ली है। अब हम ले लेंगे 1.5 लीटर दूध। ये देखिए, ये 1 लीटर दूध है। और ये हमने डाल दिया है 0.5 लीटर दूध। हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। दूध काफी हद तक गर्म हो चुका है। अभी हमें इसमें उबलने का वेट करना है। देखिए, दूध में उबाल नहीं आया है। दूध मोदक बना रहे हैं इसलिए हमने फुल क्रीम दूध लिया है और दूध को बहुत अच्छी तरह से हमें बॉईल कर लेना है। देखिए, दूध में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। हमारा दूध एकदम अच्छे तरह से पक चुका है। बहुत अच्छे से देखिए ऊपर आ रहा है कढ़ाई पे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक नींबू का रस निकाल के रखा है। इसमें हम जितना नींबू का रस है इतना ही हम पानी मिला देंगे। देखिए, मैंने बराबर का पानी मिक्स कर दिया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस दूध में डालना है और इसको मिलाते जाना है। देखिए, इस तरीके से इसको हिलाते जाएंगे। वापस से थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के रस को हमें सारे को एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम नींबू का रस एक साथ डाल देते हैं और जो दूध हमारा फटता है उससे जो छेना बनता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है। इससे बना हुआ छेना टाइट नहीं होगा। मैंने नींबू के रस को 3 बार में डाला है। अब हम गैस के फ्लेम को वापस से ऑन कर देंगे और दूध को इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जो दूध है वो फटने लग चुका है। बहुत ही आसान तरीका है दूध को फाड़ने का। देखिए, दूध फटने लग चुका है और फटने लगा है तो काफी गाढ़ा हो गया है, क्योंकि जो छेना है वो बनने लग गया है। ये देखिए, देखिए दूध बहुत अच्छी तरह से फट चुका है। बहुत अच्छे से हमारा छेना बनके तैयार हुआ है। एक बार हम बहुत अच्छे वाला उबाल आने देंगे दूध के ऊपर और फिर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। दूध पे बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें छेने को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं बॉईल करना है, नहीं तो जो छेना है वो टाइट हो जाएगा। फटे हुए दूध को छानने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है। इसमें एक छलनी लगा दी है और दूध को छानने के लिए मैंने एक कपड़ा लगा दिया है। देखिए, कितना बढ़िया से हमारा दूध फटके तैयार हुआ है। इसको हम इसमें डाल देंगे ताकि जो पानी है अलग हो जाए और जो छेना तैयार हुआ है वो एकदम अलग हो जाए। देखिए, मैंने सारा दूध और छेना छलनी में डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे ली है 1 लीटर की वाटर बॉटल। एकदम ठंडा पानी है, इसको भी हम छेने पे डाल देंगे ताकि जो हमारा छेना है वो ठंडा हो जाए। और आहिस्ता से कपड़े को सब तरफ से इस तरह से पकड़ लेंगे। देखिए, जो फटा हुआ दूध है वो अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। पानी का यूज मैं आपको बता देती हूँ। आप इस पानी से आटा लगा सकते हैं, चावल बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं। आप इसको किसी भी यूज, या आप अगर जिम जाते हैं तो आप वैसे भी इसको यूज में ले सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए, तैयार किए हुए छेने को मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है ताकि इसमें नींबू का टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। अब हमें इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। आप चाहें तो इसको लटका भी सकते हैं, कहीं भी नल पे लटका दीजिए या किसी भी खूंटी पे लटका दीजिए। और अगर आपको फटाफट से बनाना है, सेम डे अगर आप गणेश पूजा के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से देखिए दबा दबा करके भी इसका सारा पानी निकाल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, दूध मोदक बनाते समय छेने के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जो हमारा छेना तैयार किया हुआ है वो बिल्कुल ड्राई हो, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, हमने सारा छेना निचोड़ के तैयार कर लिया है।
पानी अलग हो गया है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा छेना बनके तैयार हुआ है। हमने लिया है एक छोटे साइज का बाउल और इसमें डाल देंगे हम केसर की पत्तियाँ। दूध मोदक बना रहे हैं, दूध मोदक में केसर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे ताकि केसर का अच्छे से कलर आ जाए और अच्छी तरह से इसको इस तरह से भिगो देंगे। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हैं तो येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा छेना कितना अच्छे से बनके तैयार हुआ है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल लड्डू की तरह हो गया है। ये देखिए इस तरह से छेने को हाथ से मसल लेंगे। मैंने यहाँ पे शुगर पीस के रखी है, रेगुलर शुगर है। अब हम यहाँ पे शुगर 4 से 5 चम्मच ऐड कर देंगे। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को और फटे हुए दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इसको मिक्स इस तरह से करना है, जो हथेली होती है इस वाले पार्ट से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें दाने बिल्कुल भी ना रहें। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है ये और बिल्कुल एक अच्छे से डो की फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। हम प्रसाद के लिए दूध मोदक बना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, सभी इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए हमारा दूध मोदक के लिए डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम वापस से गैस पर आ गए हैं, हमने यहाँ पे वही कढ़ाई साफ करके रख ली है। गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है, बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं करना है। जो हमने छेना तैयार किया है इसको हमें लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अगर आप गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे या मीडियम कर लेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो छेना है इसमें दाने पड़ जाएंगे, ये बिल्कुल कलाकंद की फॉर्म में आ जाएगा। और हमने इसमें चीनी डाली है, जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी वैसे वैसे चीनी घुलने लगेगी और जो हमारा दूध मोदक के लिए डो तैयार हमने किया था वो थोड़ा पतला होने लगेगा पर वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा। और इस सब में 5 से 7 मिनट लगेंगे, इस सारा समय नहीं लगेगा। देखिए जो हमारा डो है पहले से पतला हो गया है क्योंकि जो चीनी है वो घुलने लगी है, पर हमें इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो जो हमारा फटा हुआ दूध है यानी कि जो छेना है वो नीचे लगने लग जाएगा और ये लगे नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे मोटे तले की कढ़ाई ली है। देखिए चीनी बहुत अच्छी तरह से घुल गई है और जो हमारा दूध मोदक का डो है वो काफी पतला हो गया है। एक चीज का आप ध्यान रखें कि ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ओवर कुक होते ही इसमें दाने पड़ने लग जाएंगे। अभी हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे, वापस से डो की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए दूध मोदक के लिए हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है और वापस से एक सा हो गया है, डो की फॉर्म में आ गया है। हमें 1 मिनट के लिए इसको और पका लेना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और वापस से इसको परात में ठंडा कर लेंगे। देखिए दूध मोदक के लिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, हाथ लगा के देख लेते हैं। अभी हल्का सा गर्म है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, लगभग 5 से 7 मिनट ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से स्पैचुला से फैला दिया है ताकि फटाफट से हमारा डो तैयार हो जाए। दूध मोदक के लिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है, देखिए ठंडा भी हो चुका है। अब हम डाल देंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर, छोटा आधा चम्मच हम डाल देंगे इलायची पाउडर। दूध मोदक के अंदर इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने जो केसर भिगो के रखी थी देखिए कलर कितना बढ़िया से आ गया है, ये भी हम डाल देंगे। जरूरत के अकॉर्डिंग हम बाकी का दूध भी इसी में ऐड कर देंगे। बाकी का केसर वाला दूध भी हमने डाल दिया है ताकि इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। देखिए दूध मोदक के लिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैं आपको एक बात बता दूं, केसर और इलायची की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है और ये बनने के बाद और भी टेस्टी लगने वाले हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पिस्ता। अगर आप गार्निशिंग में डालना चाहते हैं, डेकोरेशन में लगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा की बात है। मैंने थोड़ा सा इसमें इस तरह से भी डाल दिया है ताकि जब खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा।
देखिए पिस्ता भी डाल लिया है हमने और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और हमारा डो आपको दिखा देती हूँ पास से लेकर के मैं, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना चिकना बना है, बिल्कुल भी दाने नहीं है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके दूध मोदक के डो में दाने पड़ जाते हैं, कलाकंद जैसा हो जाता है, तो आप इसको ठंडा करके जार में डाल के बारीक पीस के भी मोदक बना सकते हैं। आइए हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मोल्ड लिया है, बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में। अभी तो गणेश चतुर्थी का टाइम है तो इस समय कैसा भी मोल्ड आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा ही मिल जाएगा, जैसा आप चाहें। आज हम इस वाले मोल्ड में मोदक बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने गोल किया है इसको और इस तरह से लगा दिया है बीच में, बंद कर देंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देंगे और बिल्कुल आहिस्ता से हम मोदक को निकाल लेंगे। देखिए आपको पास से दिखा देती हूँ मैं कितना बढ़िया मोदक बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम इसमें एक केसर की पत्ती भी लगा देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं वरना स्किप कर दें। इसी तरह से हम सारे दूध मोदक बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा मोदक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए इस पे ही मैंने केसर की पत्ती लगा दी है। इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। हमने सारे दूध मोदक बना के तैयार कर लिए हैं, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो दोस्तों दूध मोदक को बनाइए, गणेश जी को भोग लगाइए, आप भी खाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।